हम दे चुके हैं। देखिए 21 तारीख को यहाँ पे एक घटना हुई थी जिसमें कि दो लोगों ने घर में घुस के जो है लूट की गई थी। और जब इस घटना का खुलासा किया गया तो आपको पता होगा कि एक अभियुक्त को पहले जो है वो भागने का जब प्रयास कर रहा था तो पुलिस मुठभेड़ में घायल भी हुआ था, जिसके पास से काफ़ी ज्वेलरी मिली थी। उसी पे हमें उसकी सूचना के आधार पे और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और ज़मीनी सूचना जो चल रही थी मुठभेड़ की, उसके आधार पर हमें पता लगा कि आज 30 तारीख को जो है एक जगह पे ये लोग IIM रोड से मुबारकपुर जाने वाले सड़क के पास जो है निर्माणाधीन मकान है, जहाँ पे ये शेष 5 लोग जो थे इस घटना में और 2 लोग थे वो बैठ के अपना बंटवारे हुए माल को, क्योंकि जब उनको पता लगने लगा कि पुलिस पीछे पड़ी हुई है तो अपने बंटवारे लिए हुए माल को अपना बैठ के थे और इस सोच रहे थे कि हम इसको कहीं गाड़ दें कर दें। इसी सूचना पे जब पुलिस पहुंची है तो इनके 5 अभियुक्त वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से काफ़ी माल भी बरामद हुआ है। देखिए इनका जो पहला जो वीरेंद्र पकड़ा गया है उसके ऊपर तकरीबन 19 मुकदमे कायम हैं जो ये बाराबंकी के हैं और ये सभी परिवार में ही आपस में रिश्तेदार हैं। जैसे जो अभी अरुणेश यादव है ये मेन मास्टर था, जो घर में सामने जो पड़ोसी था उनका, गुरु प्रसाद, साजन, मीराज ये अरुणेश का ड्राइवर था, बाकी अरुणेश, गुरु प्रसाद, साजन, मुकेश और जो वीरेंद्र पहले पकड़ा गया था ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं, दामाद, ससुर, भाई, आपस में सभी रिश्तेदार हैं। हाँ, घटना करने का आखिर इनका मोटिव क्या रहता था, जब सामान आता था कहाँ बेचते थे? देखिए ये घटना करके जनरली घर इनका होता था, ये रैकी करते थे, जहाँ पे इन्हें लगता था कि हमें कुछ मिल सकता है तो वो सामान जो है उसके बाद ये अपना घटना करते थे और उस बाद में आपस में बांट लेते थे और बाकी इनके जो और आपराधिक इतिहास है उनकी जानकारी की जा रही है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें से कौन पढ़ा हुआ है ज़्यादा? देखिए अरुणेश जो है एक कॉलेज का जो है महाप्रबंधक है, लेकिन वो जो है इसका मास्टरमाइंड वही था कि हम जो इतना हमारे पड़ोस में ही घटना इतना सामान है हम उसमें कर लेंगे तो हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। मैम जो अगर परिवार की बात की जाए, एक ही परिवार के सभी लोग हैं तो ये कब से सक्रिय थे और अभी तक क्या कहाँ का इन लोगों ने घटनाओं को अंजाम दिया? देखिए वीरेंद्र जो है वो काफ़ी समय से सक्रिय था, उसके ऊपर जो क्योंकि जेल गया है तो उसमें 19 मुकदमे पाए भी गए हैं, बाकियों के मुकदमों के बारे में जानकारी की जा रही है, क्योंकि आपस में ही ये रिश्तेदार थे तो इसमें भी देखा जा रहा है कि कितने इन्होंने अपराध साथ में कारित किए हैं उसकी जानकारी की जा रही है। मैम ये जो लूट का सामान है कहाँ ये लोग बेचते थे या जिसके पास बेचते थे कोई उसे गिरफ्तार हुआ? देखिए लॉकडाउन का पीरियड था तो ये जनरली दुकानें बंद होने के कारण ये सामान ज़्यादा बेचने में इतने सफल नहीं रहे हैं, हमारी रिकवरी बहुत अच्छी हुई है और कैश भी अच्छा बरामद हुआ है, तकरीबन 7 लाख के आसपास कैश मिला है, सोने का चेन लॉकेट 3 अदद, कान के टॉप्स 1 अदद, हीरे की अंगूठी 2 अदद, सोने की अंगूठी 2, ब्रेसलेट हीरे का 1, ब्रेसलेट सोने का 1, सोने के 2 कंगन, सोने की बिंदी 1, मांग टीका सोने का 2, पायल चांदी 4 जोड़ी, बिछिया चांदी की 9 जोड़ी, नाक की 3, 5 कंगन, बच्चों के कंगन 3, 4 अदद मोबाइल, 2 अदद पेचकस, 1 बड़ा छोटा, 1 मोटरसाइकिल जिससे इन्होंने ये घटना कारित कराई और 1 अदद जो होंडा अमेज कार है। मैम इनके ग्रोह में कितने लोग टोटल शामिल हैं या अभी जितने पकड़ेंगे ये कितना ही ग्रोह है इससे और भी इसमें शामिल है लोग? देखिए ये जो पूरे इन लोगों के 6 लोग रहे जो पहले गिरफ्तार हो गए और ये 5 लोग जेल जा रहे हैं, ये इन्हीं के द्वारा इसी में बताया गया है और इन्हीं का ये पूरा ग्रोह था जिन्होंने घटना की। नहीं ऐसा ना कोई ग्रोह का नाम अभी ऐसा सामने नहीं आया है, बट इसमें मेन मास्टरमाइंड ये अरुणेश ही था जो घटना को कारित करा। मैम इस टीम को क्या कुछ इनाम भी दिया जा रहा है खुलासा करने के लिए? आपको जानकारी होगी कि पहले ही इसमें जो है CP महोदय द्वारा पूरी टीम को 25,000 का इनाम दिया जा चुका है। थैंक यू।